चीन का सौगात कोरोना वायरस विश्व के सैकड़ों देशों में तबाही मचा रहा है, जिसका काला प्रकोप भारत पर भी है। जिसको देखते हुए कि कोरोना वायरस अपनी काल के गाल को खोले और सुरसा की तरह सैकड़ों बेगुनाह और निर्दोषों को मौत की नींद सुला दे, उससे पहले ही केंद्र से लेकर राज्य सरकारें इसके दंश से बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गई है। इसके फैलाव को रोकने के लिए पीएम मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखा और देश में 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य महकमों को 24 घंटे इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयारी करने में जुट गए। लेकिन कोरोना वायरस के युद्ध स्तर पर तैयारियों के बाद भी बिहार की राजधानी पटना में सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच सरकार और प्रशासन के सारे तैयारियों की पोल खोल देता है। दरअसल राजधानी पटना स्थित बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच कोरोना वायरस को लेकर के लापरवाही बरत रहा है। एक तरफ जहां सरकार कोरोना वायरस को लेकर लगातार काम कर रही है और एहतियात के तौर पर कई बड़े कदम उठा रही है, तो दूसरी तरफ बात अगर सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की करें तो यहां कोरोना वायरस पीड़ित संदिग्ध मरीजों को खून जांच के लिए सैंपल लेकर खूब चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो जांच लिखा गया उस जांच के आधार से कोई जो है ना ब्लड लेना नहीं चाह रहा है। जहां हमने कराया वो भेजा है टाटा वार्ड, जाइए टाटा वार्ड जाते तो वहां से वहां सभी के मन में इतना डर भरा हुआ है कि कोई उनको हाथ लगाना नहीं चाह रहा। अब इस स्थिति में मरीज करे तो क्या करे। और 5-6 बार जो है इधर से उधर करवा रहा है, कोई जांच ही नहीं कर रहा है। ये दे दिया है, ये अपने से निकाल लो ब्लड, बताइए अपने से निकाला जाता है तो ब्लड सैंपल ले नहीं रहा। टेस्ट करने के लिए इनको बुलाए, वहाँ 5 बार इन्होंने अगला हमारे सामने गए हैं, लेकिन एक बार भी कोई सुनने को इनको राजी ना। हालांकि जब इस बात को लेकर News 1 11 के संवाददाता प्रवीण ने पीएमसीएच प्रशासन से जानकारी लेने की कोशिश की तो अस्पताल के अधिकारी ने नियम का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। सर यहाँ पर जांच के लिए जो बाहर से जो सैंपल लेने की अपना सैंपल देने के लिए जो आ रहे हैं यहाँ पर, पर्ची कटने के बाद यहाँ कोई सही उचित व्यवस्था नहीं देखने को मिल रहा, जैसे कि आज हमने देखा कोई यहाँ पर बाहर में जांच नहीं लिया है। जांच नहीं लिया, सैंपल देने के लिए कोई देने नहीं आना, वो नियम नहीं है, हेल्थ एडवाइजरी के खिलाफ है। हम लोग जांच लेते हैं जहाँ पर हम लोग का आइसोलेशन वार्ड है, उसके बाद उनको रख देते हैं। जब निगेटिव रिपोर्ट आता है उसके बाद उनको होम आइसोलेशन में 14 डेज रखते हैं, ये नियम। ये तो एडवाइजरी भी आपको जारी होता ना कि पीएमसीएच में जो है सैंपल यहाँ पर लिया जाएगा, ऐसा कोई एडवाइजरी नहीं है। हम नियम के साथ काम करते हैं, पीएमसीएच में सारे व्यवस्थाएं नियम से चल रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी ही व्यवस्था सीएम नीतीश और बिहार की जनता को कोरोना रूपी काल से बचा पाएगी? क्या सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल जहां राज्य के करोड़ों लोगों को इसकी बेहतर सुविधा का भरोसा है, क्या उन लोगों का भरोसा ये जीत पाएगा? लेकिन वादे जो भी हो, सुविधा भगवान भरोसे है ये कहना गलत नहीं होगा। इसलिए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं करें और इस विपदा से बचें। News 1 11 के लिए पटना से प्रवीण के साथ निर्भय किशोर की रिपोर्ट। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।